जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में विशेष प्रेस वार्ता का आयोजन चंदाली स्थित नए संग्रहालय भवन के सभागार में किया गया। प्रेस वार्ता में जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा चुनाव से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी दी गई और प्रेस वार्ता में उपायुक्त ने बताया कि गुमला में सिसई विशनपुर गुमला तीनों विधानसभा का चुनाव 13 नवम्बर को होगा। नॉमिनेशन फॉर्म 18 अक्टूबर से मिलेंगे और नामांकन की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर और नाम वापसी की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर है। आदर्श आचार संहिता लागू हो गया है। 24 घंटे के अंदर बैनर पोस्टर हटेंगे। चुनाव आयोग के गाइडलाइन के अनुसार प्रचार प्रसार होगा। वहीं पुलिस अधीक्षक गुमला शंभू कुमार सिंह ने कहा कि चुनाव के दौरान सुरक्षा के समुचित व्यवस्था की जाएगी और निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। जिले में एक हमारा भारत निर्वाचन आयोग ने असेंबली इलेक्शंस का शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया है। गुमला में 3 ACs हैं, सीसई गुमला और विशनपुर, और तीनों ACs में ही फर्स्ट फेज में यानी 13 नवंबर को मतदान होने हैं। जो नोटिफिकेशन की तिथि है वो 18 अक्टूबर 2024 है और नॉमिनेशन करने की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर 2024 है। स्क्रूटनी की तिथि जो है वो 28 अक्टूबर 2024 है और विड्रॉवल की जो अंतिम तिथि है वो 30/10/2024 है। 13 नवंबर को गुमला के तीनों कंस्टिट्यूंसीज में मतदान होने हैं और 23 नवंबर को मतों की गिनती होगी और इसके साथ ही आज से MCC प्रभावी हो जाए तो हम लोग पूरी तरह से सचेत रहेंगे। और आप लोग को जानकारी है कि 13 नवंबर को हमारा फर्स्ट फेज में इलेक्शन है। 3 ACs है गुमला ज़िले में, एक हमारा पार्ट AC है जो सिमडेगा से ज्वाइनिंग है पानकोट का, तो टोटल 965 जो हमारे बूथ हैं सभी बूथों पर पर्याप्त संख्या में जो हमारा इलेक्शन से पहले की तैयारी है वो हो चुकी है। जो पैरामिलिट्री फोर्सेस सेंसिटिविटी जिस हिसाब से होगा उस हिसाब से हम लोग डिप्लॉयमेंट करेंगे और पूरी तरह से फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए गुमला पुलिस तैयार है। मैं गुमला के नागरिकों से वोटर से अपील करता हूं कि भारी से भारी संख्या में आकर वो अपने मताधिकार का प्रयोग करें और मतदान में अपनी सहभागिता को सुनिश्चित करें।